अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर मंसूर और कारवान क्राफ्ट्स फाउंडेशन की जानिब से इस साल जो इंटरनेशनल वुमेंस डे के ऊपर ईच फॉर इक्वल के ऊपर के मौजू पे जो बहस हो रही है उसके मुतालिक मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो है चंद एक मीम्स तक महदूद कर दिया गया है और चंद एक कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स तक रख दिया गया है, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देही इलाकों में ज्यादा है। ना सिर्फ कि हमारी बहुत ज्यादा जो आबादी और देही इलाकों में रहती है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि खवातीन का वहां पे रोल जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ज्यादा है एक फैमिली के सपोर्ट सिस्टम में। ना सिर्फ वो घरों में खवातीन सपोर्ट करती हैं बल्कि वो जो है मौशी तौर पर भी फैमिलीज को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो मवेशियों की देखभाल हो, उनको चारा दाना डालना हो, या वो खेत के अंदर जाके खेती बाड़ी करना हो, या वो सिलाई कढ़ाई मुख्तलिफ किस्म की कशीदाकारी करके एक सस्टेनेबल इनकम को जनरेट करना हो अपनी फैमिली के लिए। सो ऑल आई वुड से कि आप इक्वालिटी पे बिलीव कीजिए। जो खातून हमारे शहरों में रह रही है उसके चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं और जो हमारे देही इलाकों में खवातीन रह रही हैं उनके चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खातून पाकिस्तानी खातून जो है उसके चैलेंजेस उन प्ले कार्ड से कई ज्यादा हैं जो कि हम लोग मीम्स बना के नॉन सीरियस वे में शेयर करते हैं। आई होप आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया।